लाडवा के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मन लगाकर बीजेपी के लिए काम करें। 2019 के चुनाव में बीजेपी भी इस बार युवाओं को विधानसभा सीटों पर टिकट देकर सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आज प्रदेश का हर वर्ग सुखी और खुश है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आम या खास व्यक्ति को कोई भी किसी अधिकारी या विभाग के प्रति परेशानी है तो वो सोशल मीडिया या ट्विटर के जरिए उससे संबंधित कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इससे पूर्व युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गोल्डी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पहुंचने पर प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। अब की बार जो हमारा रहा वोट प्रतिशत उससे ज़्यादा रहेगा और हम पुनः सरकार बनाएंगे, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दावा किया है कि हम 70 के आसपास सीटें लेके आएंगे तो उसके आसपास हम पहुँचेंगे। देखिए, इनेलो और कांग्रेस दोनों एक ऐसे परिवार बने हैं कि उनमें आपस में ही नहीं बन पा रही है वो सरकार, तो जब बनाएंगे। आप कांग्रेस में चले जाइए तो कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। इनेलो में चले जाइए तो इनेलो के अंदर एक नेता आके कैथल में कहता है कि मेरा बेटा लड़ेगा, फलाना लड़ेगा, दूसरा आके कहता है वो लड़ेगा। वहाँ जेल से उठकर माने चौटाला जी कहते हैं कि भाई जहाँ से भी सुरजेवाला लड़ेगा मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पहले वो लोग अपने आप को सेट ही नहीं कर पा रहे तो सरकार क्या बनाएंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि 2019 में युवाओं को स्थान ज़्यादा दिया जाएगा सीटों के मामले में, क्या भाजपा का ऐसा कोई प्लान है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी युवाओं को स्थान दिया था और आगे भी स्थान देगी। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस में तो शायद 50-50 साल के युवा होते हैं, तो हो सकता है वो 50 साल के युवाओं को ही युवा मानते हों, जबकि भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से नीचे के लोग ही युवा होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को युवा मानती है। सत्य खबर के लिए लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।